हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सीमा फतेहपुर यूपी ब्लॉगर में। तो गाइस, यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी। ये मेरे घर का ऊपर वाला पार्ट है जो मैंने अभी सेकंड फ्लोर में बनवाया है, तो उसी में मैं साफ़ सफाई करना स्टार्ट मैंने किया है, क्योंकि आज से नवरात्र स्टार्ट हैं। तो मैंने सोचा था पहले शाम को ही करने को, बट फिर नहीं कर पाई थी, तो मैंने सुबह ही किया। और मैं 9 दिन की व्रत भी रहूँगी। और ये मेरा किचन था, तो मैंने सोचा थोड़ा प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ, पानी से धुलाई कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दुर्गा माता स्थापित करूँगी, यहीं कलश वलश रखूँगी। हॉल है मेरा, अगर आप लोग कहोगे तो मैं कभी अपना होम टूर दूँगी। तो ये देखिए, वही मैंने यहाँ साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी थी। मेरा बेटा फ़ैन ऑन कर रहा था, थोड़ा सा कह रहा था मम्मी गर्मी लग रही है, हम कह चला लो कोई बात नहीं। तो वही ये देखिए कुछ ऐसा, अभी दरवाजे और बजे तो लगे नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की इच्छा थी कि मम्मी ऊपर रखो, माता रानी की स्थापना ऊपर करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पूजा तो वैसे हो चुकी, कथा वथा हम लोग सुन चुके हैं, बट बच्चे कह रहे थे कि मम्मी ऊपर ही रखो, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ये देखिए, यहाँ किचन में मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर रही थी। और यहाँ पर देखिए, सब हम लोग लेके आए हैं क्लीनिंग करने के लिए सारी चीज़ें, और मेरा बेटा मेरी हेल्प करा रहा है। और ये देखिए पौधे हैं जो मैं ख़रीद के लाई थी, तो देखिए ठीक हो गए हैं काफ़ी, बस ये रेड वाला नहीं बढ़ रहा। और ये देखिए एलोवेरा का पौधा, और ये सारे जो लगा रखे हैं मैंने, बारिश में थोड़े अच्छे हो गए हैं पौधे, सारे अच्छा ग्रो किए। तो यहाँ पर अब पौधों में पानी डालेंगे हम लोग, थोड़ा सा डाल देंगे। और देखो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 8:30-9:30 हो रहे हैं, लेकिन देखिए धूप कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ धूप होती है। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ हिंदी में बोलेंगे कुंवार की धूप तेज़ होती है। और यहाँ पे हम लोग बाथरूम में पानी भर के रख रहे थे टब में, इसलिए कि थोड़ा सा मोटर चल रही थी तो पानी भर के रख दो तो ठीक रहता है, क्योंकि अभी यहाँ पे टंकी का कनेक्शन तो है नहीं कहीं पर। सो मैंने यहाँ पे वही मोटर चला था नीचे, तो वही मैंने कहा था कि भर लो, तो मेरा बेटा भर रहा था और वही उसी ने ही पानी डाला था। तो वो उसी ने एक्चुअली वीडियो ही शूट किया था, इसीलिए ना मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखूंगी ना मेरा बेटा, बस वो जैसे भी जो बच्चा है यार, उसने जैसे भी शूट किया, लेकिन किया तो, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड गया है टूट। और मैं देखिए, और मैंने ऑर्डर किया है, देखिए कब तक आता है, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक तो ऐसे ही काम चलाना। और ये है कड़ी पत्ता का पौधा, और ये है गुलाब, तो इसी में चलिए पानी डाल देते हैं सारों में, और फिर आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे गार्डन में पानी वानी पड़ चुका था, और अब पोछा की बारी थी। तो मेरे बेटे ने कहा लाओ मम्मी मैं लगा देता हूँ, तो वही लगा रहा था। और मैंने पूरा झाड़ू लगाया, अच्छी तरीके से डस्टिंग की पूरा, तो काफ़ी टाइम लग गया था, और टाइम भी हो रहा था पूजा करने का, कलश वलश रखने का। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी लाओ मैं हेल्प। तो चलिए, यहाँ पर क्लीनिंग का काम हो गया था, और मैं नहा के आ भी चुकी थी। तो मैं अभी यहाँ पे दुर्गा जी की स्थापना कर रही हूँ। मैंने ये कल लेके आई थी, मैं मार्केट गई थी। तो एक्चुअली आप लोगों से बताऊँ, मैं पहले व्रत रहती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी ट्रेजिडी हुई थी, तो फिर उसके बाद से वो कहते हैं ना यार, विश्वास चला जाता है मन से, तो मन नहीं करा करता था। मतलब क्योंकि जब ऐसा हुआ था उस साल भी मैं व्रत थी, और व्रत मतलब नवरात्र के कुछ दिन बाद ही हुआ था, तो थोड़ा सा माइंड में निगेटिविटी आ जाती है। लेकिन चलिए कोई नहीं, 8 साल बीत चुके हैं। वो कहते हैं ज़िंदगी तो रुकती नहीं, किसी के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। और अभी बच्चे हैं, बच्चों सबके बारे में सोचना है, सो वही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये जो गत्ता मैंने बिछा रखा है, इसी में ही दुर्गा जी की मूर्ति थी, ये फ़ोटो सॉरी थी, तो मैंने इसको बिछा दिया है अच्छी तरीके से, और उसके ऊपर ही मैंने आसन बिछा दिया, और फिर फ़ोटो रख दी, और उसके बाद फिर मैंने चुनरी चढ़ा दी और माला चढ़ा दिया। अब मैं आगे सारी चीज़ें कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने हवन के लिए पहले सुलगा दी थी, ये लकड़ियाँ हैं तो आम की, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने इसको जला दिया था यहाँ पर। मैंने सोचा सुलगा देती हूँ तो ठीक रहेगा, लेकिन यार ये सुलग नहीं रही थी, तो काफ़ी मैंने कोशिश की, पर देखते हैं फिर, देखो कोशिश करें। अभी तो जल रही हैं, कपूर भी मैंने थोड़ा सा डाला था। तो आप लोग उसमें कह रहे थे कि वही होता है ना, कि माइंड में निगेटिविटी आ जाती है कि यार क्यों हमारे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया,
लेकिन जब कहते हैं अपनों से दूसरों का दुख देखो तो और भी तकलीफ़ होती है। कम से कम ईश्वर ने हमें तो अपना खाना पहनने का हर चीज़ का साधन दे रखा है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं पॉसिबिलिटी है, उनको अपनी ही मेहनत करके पेट भरना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा घी का डिब्बा ला के मुझे दे रहा था और मैंने सोचा थोड़ा सा घी डाल देती हूँ उसमें तो शायद लकड़ियाँ जल जाएँ आसानी से, और फिर बाद में जल भी गई थी एक्चुअली। तो मैंने वही यहाँ पर घी डाला और जलाने की कोशिश की, क्योंकि हवन भी करना था, थोड़ा लकड़ियाँ अच्छे से जल जाती तभी हवन हो पाता है। तो वही है, और मैं पंडित को नहीं बुलाती हूँ, खुद ही से मैंने रख लिया था, क्योंकि कोई नहीं, कहते हैं सच्चे दिल से की हुई पूजा माँ स्वीकार जरूर करती हैं। आप पंडित को बुलाओ या ना बुलाओ, वो तो कोई नहीं, अपने ऊपर सब डिपेंड है। तो वही अब मैं सारी चीज़ें कर रही थी तो मैंने सोचा इसको रख देती हूँ। थोड़ा मुझे चिंता भी थी इस वक्त, क्योंकि मेरे यहाँ दरवाजे लगाने वाले आने वाले थे। मैंने सोचा था ये बाहर वाला और इधर वाला दरवाज़ा लगवा लूँ, क्योंकि बंदर अंदर थोड़ा आ जाते हैं तो सही नहीं रहता। ये वाला जहाँ पे मैं ये रख रही थी हवन, मतलब ये गुरसी मैंने जहाँ रखी थी सुलगाने के लिए, ये वाले में और इधर आगे वाले फ्रंट वाले में लगवाने की कोशिश में थी। लेकिन वो कहते हैं ना अकेली और कहाँ कहाँ भागे, चारों तरफ जाओ, लेकिन कोई सुनता भी नहीं है, क्या किया जाए। बहुत कोशिश की, लेकिन देखो शायद ये जाली वाला लग जाए दोपहर तक, क्योंकि अभी मैंने कॉल किया था तो भैया कह रहे थे कि ठीक है। और यहाँ पे मैं बाती वाती तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि ये सब भी करना ही है। तो इसीलिए मैं अपने इस ब्लॉग को बहुत लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने देखा कि ज़्यादा लंबा घसीटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर इससे अच्छा मैं दो ब्लॉग बना दूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए बाती बना ली, और ये मैं ये जो जोत लेके आई ये भी खरीद के लेके आई हूँ। तो वही चीज़ है, मैंने सोचा कि लाओ कर देती हूँ। और आप लोगों को दिख रहा होगा इस वक्त कि मेरे कलश में आम की ट्रेया नहीं रखी है, वो मेरे दिमाग से उतर ही गया था। मेरा बेटा वही कह रहा था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी तो मैंने जलाया ही नहीं है दीपक, जब तक दीपक नहीं जलेगा तब तक कलश की स्थापना नहीं मानी जाती है। तो वही यहाँ पे मैं बना रही थी बाती, और मैं यहाँ पे बना लेती फटाफट बाती। तो यहाँ पे देखिए मैं दरवाजे वाला का वेट कर रही थी और वो आ भी गए, नीचे से उन्होंने आवाज़ दी, तो मेरे बेटे को मैंने भेजा है नीचे डोर खोलने के लिए। मैंने कहा ले आए रख दें ऊपर, तो वही गए हैं। वो कहते हैं ना जब आप दूसरा काम करने लगो ना, अभी तक वेट करी तब नहीं आए, अब जब मैं सब कुछ मैंने निपटा कर इतने देर वेट किया नहीं आए, फिर मैंने सोचा ला पूजा ही कर लेती हूँ तो अभी आ गए। इसी में कभी कभी गुस्सा लगा करती है, लेकिन अब क्या किया जाए, करवाना तो पड़ेगा ही, आ गए हैं तो। तो चलिए मैं फटाफट बाती ये बना लेती। बेटू क्यों लाइट जला दिए हो यार? तो मैंने यहाँ से भैया लोगों से कह दिया था यहाँ पे कि आप लोग रख दीजिए सारा सामान, थोड़ी देर में लगाइएगा, मैं थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। तो वो लोग बैठे हुए हैं और मैंने सोचा लाओ पूजा कर लेती हूँ, नहीं टाइम हो जाएगा। कहते हैं ना कलश रखने का एक टाइमिंग होता है, तो इसी वजह से। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये अमर ज्योत है, इसमें मैंने घी भर दिया और अब बस स्टार्ट कर दूँगी पूजा। तो मेरा बेटा वही बार बार कह रहा था कि मम्मी आपने आम के पत्ते नहीं रखे, मैं कहा हाँ रख रही हूँ रुक जाओ। तो वही पे देखिए माला मैं चढ़ाए दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये माला छोटी सी है तो दुर्गा माता की फ़ोटो में तो आएगी नहीं, और मैं ये रेडीमेड माला भी ले आई थी क्योंकि मुझे मालूम था माली लोग ना फोटो बहुत छोटी सी लाते हैं। और यहाँ पर मैंने दीपक के नीचे चावल से स्वास्तिक बनाया था, जो भी गलत सही बनाओ, लेकिन कोशिश की सही बनाने की। तो चलिए अब रख देते हैं आम की टिरैया भी, जो गलती की है माता रानी क्षमा करेंगी, जानती हैं कि हम उन्हीं के बच्चे हैं, वो क्षमा ही कर देंगी। कहते हैं ना हर माँ के दिल में बच्चों के लिए बहुत स्थान होता है, तो माँ भी क्षमा करेंगी। और यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। और मैंने आम की टिरैया रख दी। वो कहते हैं ना देखिए अभी तक कलश कितना अधूरा सा लग रहा था, और जैसे ही मैंने आम की टिरैया रख दी तो फिर देखने में वही कहते हैं अधूरी चीज़ खराब ही लगती देखने में, अब सही लग रहा है। तो अब यहाँ पे मैं दीपक जला देती हूँ और कर लूँगी आरती, क्योंकि मैं भी पढ़ूँगी नहीं कुछ चालीसा वालीसा या और पाठ वाठ इस वजह से, क्योंकि पढ़ने लगूँगी तो टाइम हो जाएगा और ये दरवाजे वाले वेट कर रहे हैं। और मैं शाम को ही इसीलिए, क्योंकि थोड़ा सुबह जल्दी भी रहती है, बच्चों का स्कूल रहता है, सो इसीलिए मैंने सोचा कि शाम को ही पढ़ूँगी पाठ इत्मीनान से, तभी सही रहेगा। तो चलिए अब यहाँ दीपक को ढक देते हैं, मैंने जो जला दी है, और चलिए कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पे मैं वही पूजा पाठ कर रही थी, मुझसे जो भी जैसे आता है, मुझे वैसे तो सब लोग करते हैं पूजा, पर मुझसे जो भी जैसे बन पड़ता है वही मैंने कर दिया।
और पहले पता है मैं सिंदूर उन्दूर नहीं लगाती थी किसी चीज़ में, लेकिन मुझे एक आंटी जी, उन्होंने कहा था कि बेटा आप नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, आप टीका तो लगा सकते हो और माता रानी की तो लगा सकते हो, जब कोई नहीं आपके पास करने वाला तो फिर कैसे लगाओगे, ये भी जो भी आप जैसे वो सब भगवान का ही तो दिया है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो इसीलिए मैंने माता रानी की भी सिंदूर लगा दिया और बाकी सारी पूजा कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसे कौन कौन करता है, और मैं तो इस बार 9 दिन की व्रत हूँ, अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रही हूँ, देखते हैं क्या आगे कैसा है। वो तो कहते हैं सब ईश्वर के ऊपर डिपेंड है, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता यार, जीना ही पड़ता है इन सब। और देखिए यहाँ पे शाम की आरती हो रही थी, ये शाम की क्लिप है, तो चलिए ठीक है रख।